नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उठापटक का मनसे पार्टी अपने स्तर पर अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रही है। मनसे पार्टी ने महाराष्ट्र राज्य में राज्य के राजनीतिक माहौल के खिलाफ एक सही संतापाची, हिंदी में बोले तो एक हस्ताक्षर क्रोध का अभियान चलाया हुआ है। राज्य भर में मनसे ने बड़े पैमाने पर अपना यह अभियान शुरू किया हुआ है, जिसमें क्षेत्र के चौराहे पर एक बड़ा सा सिग्नेचर बोर्ड रखा जाकर हर आने जाने वाले लोगों के, राहगीरों के, उस पर साइन लिए जा रहे हैं, दस्तखत लिए जा रहे हैं। ये वीडियो और तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह नालासोपारा और विरार की है, जहां रास्ते पर मनसे के इस अभियान को लोगों का बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है। लोग इस साइन बोर्ड पर सिग्नेचर करके महाराष्ट्र की सरकार और वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये नौबत क्यों आई, अगर हम इस बिंदु पर बात करें तो वर्तमान में सिर्फ महाराष्ट्र राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश ने महाराष्ट्र की गिरती राजनीति का अनुभव देखा है। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में मतदाता, जिसे हम सामान्य भाषा में वोटर कहते हैं, वह वोटर राजा होता है। लेकिन आज इस मतदाता नाम के राजा के मत का क्या मूल्य रह गया है, यह सवाल हर किसी के मन को झकझोर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर कितने हद तक गिर चुका है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। 2019 में जब महाराष्ट्र के राज्य की विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब जनता ने अपना अमूल्य वोट देकर जिस प्रत्याशी को जिताया था, क्या उस प्रत्याशी ने जनता के दिए उस वोट का मान रखा? यह सवाल पैदा होने का सबसे बड़ा कारण है, जनता का वोट करना सिर्फ किसी पार्टी को वोट कर जिताना या हराना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनता का वोट एक विचारधारा को समर्थन करना होता है। लेकिन आज के इस दौर में जनता की विचारधारा का मान आखिर रखता कौन है? आज के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्यारी है। हम अगर विचारधारा की बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते ही हैं कि हम मतदारों में से जो कोई भी वोट करता है, वह सिर्फ और सिर्फ एक प्रत्याशी को नहीं चुनता है, बल्कि एक पार्टी के नुमाइंदे को चुनकर उस पार्टी की विचारधारा में अपना विश्वास प्रकट करता है। क्या जनता द्वारा 2019 के चुनाव में जिस किसी पार्टी की विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया गया था, उस पार्टी या उस पार्टी के जीते हुए विधायक ने बीच मझदार में कुर्सी हासिल करने पाला बदलकर जनता के साथ छल नहीं किया है? शुरू में शिवसेना और भाजपा के मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के चलते गठबंधन का टूटना, फिर बाद में अचानक भाजपा का अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाना और फिर अजीत पवार का पलट जाना और इतने घटनाक्रम होने के कुछ महीने बाद फिर महाविकास आघाड़ी का गठन होना, जिसमें सभी विपरीत विचारधारा की पार्टियों का एक साथ आकर सरकार बनाना, और जब 2.5 साल तक वह सरकार अच्छे से चल रही थी तब उसमें भाजपा की शह पर वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अस्थिरता फैलाकर पहले सरकार को गिराना और बाद में नई सरकार का गठन करना, इतना सब झेल चुकी महाराष्ट्र की जनता ने 2 जुलाई को राष्ट्रवादी के पार्टी के बड़े नेता अजीत पवार के द्वारा अपनी पार्टी से बगावत कर पार्टी को तोड़कर और भी विधायकों को अपने साथ मिलाकर खुद के उपमुख्यमंत्री पद व बाकी के कुछ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाना, यह सब देखकर जनता आक्रोश से भर चुकी है। लोग अपना आक्रोश सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समय समय पर प्रदर्शित भी करते रहे हैं। इन्हीं सब बातों को भुनाने मनसे ने महाराष्ट्र राज्य में यह अभियान चलाया है। अब देखना यह है कि मनसे का यह सही संतापाची अभियान क्या वाकई में महाराष्ट्र की जनता के मन को परिवर्तित कर पाएगा, या हर स्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेने वाली जनता एक बार फिर इस स्थिति को पचा लेगी और जो जैसा चल रहा है आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। वीडियो में आगे देखिए इस पूरे अभियान की ये झलके। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून हे जे एक साथ सही संतापाची मोहीम राबवली जाते, राजकारणाचं झालेलं चिकल किंवा तुमच्या मताला जे किंमत राहिलेली नाही आहे त्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं? बरोबर आहे, सध्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे विविध राजकीय पक्ष जे आहेत, हा महाराष्ट्राचा पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जातो, परंतु या ठिकाणी राजकारणाने खरा चिकल केलेला आहे, पुरोगामी हा राहिलेलाच नाही आहे।
जो तो जी सर्वसामान्य जनता आहे, जे मतदार आहेत, ते आपल्या नेत्याला जे निवडून देतात एक विश्वासाने त्यांना निवडून देतात, परंतु हे स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि राजकीय फायद्यासाठी मिळेल त्या पक्षामध्ये प्रवेश करतात, परंतु मतदारांना उघड्यावरती शिकतात। आज मनसेचे प्रमुख आणि आदरणीय राजसाहेब यांनी जी जी मोहीम आखलेली आहे सायांची, बरोबर राजकारणाचा चिखल झाला आहे की राजकारणाचाही चिखल झालेला आहे आणि आमच्या मतदारांचाही चिखल झालेला आहे। यापुढे येणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत, हे आम्ही आपण सगळ्यांनी ज्या तुझ्या मतदार आहे त्या सर्व मतदारांनी उघड्या डोळ्यांनीच आपला उमेदवार निवडावा अशी मी सर्वांना विनंती करतो। आणि राजसाहेबांनी जी मोहीम ही सायांची आखलेली आहे त्याबद्दल राजसाहेबांचं मी खूप खूप आभारी आहे। राजसाहेब आम्हाला तुमचा खूप अभिमान वाटतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर आता तुम्ही सही केलेली आहेत, तर तुमची काय भावना आहे? माझी भावना एकत्र व्हायचं आणि देशाचा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनावा। पण सध्याची जी परिस्थिती आहे, बाकी इतर पक्ष जे आहेत, बीजेपी आहे, राष्ट्रवादी आहे, आपली मराठी माणसाची ताकद होईल, म्हणजे मराठी लोकांसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र बाकी कोण करू शकत नाही। भाजपमध्ये नाही, फक्त गुजरातला घेऊन जाण्यासाठी आहे, बाकी तुमच्या आमच्यासाठी नाही आहे। देवेंद्र फडणवीस नाचतो आहे ना, त्याला मिळते म्हणून नाचतो आहे। ते सर्व एकत्र झाले आपले मराठी माणसं तरच होऊ शकते। तो राज असून ते काय उद्धव असून हे जर वेगवेगळे राहून तर काहीच करू शकत नाही। त्याच्यामुळे तीन टाईम मोका गेला आहे मुख्यमंत्र्याचा, किती तीन टाईम समजा कुठचे तीन टाईम मराठी माणसांनी एकत्र यावं असं तरच हे घडलं असतं। हे भावभावांची मतं फुटली जातात, तिसरा माणूस फायदा घेतो। काय बोलाल सध्या? आता आपण या बोर्डवर सही केलेली आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून, ही एक सही संतापासाठी, तर तुम्ही पण सही केलेली आहे, काय बोलाल या विषयात? त्यांनी जी मोहीम राबवली ती चांगलीच गोष्ट आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही कोण मदत आहे, ती कोणाबरोबर युती करणार पण आणि करू शकत पण पहिली गोष्ट। आणि हे आता काय महाराष्ट्रात आता सध्या चिखलच चालू आहे। हां, आणि राज ठाकरे साहेब ही एक नंबराची, ते पहिले महाराष्ट्र मुख्यमंत्री झाले पाहिजे, बाकी काही नाही आमचा विषय। तर येणाऱ्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या उमेदवार व मनसे यांना तुमचं मतदान असेल? धन्यवाद। मी आत्ताच या बोर्डवर साईन केलेली आहे, तर काय बोलाल तुम्ही? चांगलं काम आहे आणि लोकांच्या मनाची निर्माण झाली आणि माझं जर प्रायमरी मत आहे तर जास्तीत जास्त लोकांनी तर येणाऱ्या काळात जर मनसेचे उमेदवार तुमच्या वार्डातून उभे राहिलेत, नक्कीच आम्ही त्यांना नक्कीच निवडून आणण्याचं आमच्या आम्ही तरी आमच्या बिल्डिंग मार्फत किंवा आमच्या सोसायटी मार्फत त्याच्यात जे आम्ही नक्की। धन्यवाद सर। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।